क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। एक क्लासरूम में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच होने वाला कन्वर्जेशन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब टीचर्स क्लासरूम में जाते हैं तो वो बच्चों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर गुड मॉर्निंग क्लास, सुप्रभात विद्यार्थियों, जिसके रिस्पॉन्स में बच्चे खड़े होकर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। फिर टीचर्स बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन और टेक योर सीट्स, या फिर कृपया बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, टेक योर सीट्स, कृपया बैठ जाओ। Now I am going to take attendance. अब मैं हाजिरी लेने जा रहा हूँ। Now I am going to take attendance. अब मैं हाजिरी लेने जा रहा हूँ। जब टीचर्स अटेंडेंस लेते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना प्रेजेंट सर, तो उसे बोलेंगे प्लीज़ रेज योर हैंड एंड से प्रेजेंट व्हेन आई कॉल योर नेम। कृपया अपना हाथ उठाए और उपस्थित कहें जब मैं आपका नाम पुकारता हूँ। कभी कभी टीचर्स अटेंडेंस लेने के पहले बोलते हैं ना हु इज़ अब्सेंट टुडे और हु इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे, आज कौन अनुपस्थित है या आज कौन मौजूद नहीं है। अगर कोई बच्चा कल नहीं आया था तो उसे बोला जाता व्हाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे, तुम कल अनुपस्थित क्यों थे, व्हाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे। डोंट लेट इट हैपन अगेन, इसे दोबारा न होने दे, डोंट लेट इट हैपन अगेन, इसे दोबारा न होने दे। वॉट डिड आई टीच यू इन द लास्ट क्लास, मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था। वॉट डिड आई टीच यू इन द लास्ट क्लास, मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था। आर यू रेडी फॉर न्यू चैप्टर, क्या आप नए अध्याय के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी फॉर न्यू चैप्टर, क्या आप नए अध्याय के लिए तैयार हैं। ओपन योर बैग एंड टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, अपना बैग खोलो और अपनी अंग्रेजी की किताबें निकालो। ओपन योर बैग एंड टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स, अपना बैग खोलो और अपनी अंग्रेजी की किताबें निकालो। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 25, टर्न द पेज 26, अपनी पुस्तकें पृष्ठ संख्या 25 पर खोलें, पृष्ठ 26 की ओर मुड़ें। Open your books at page number 25, turn to page 26. Please stop talking, कृपया बात करना बंद करें। Please stop talking, कृपया बात करना बंद करें। Did you get page number 25? क्या आपको पेज नंबर 25 मिला? Did you get page number 25? क्या आपको पेज नंबर 25 मिला? Have you all done your homework? क्या तुम सबने अपना गृह कार्य कर लिया है? Have you all done your homework? क्या तुम सबने अपना गृह कार्य कर लिया है? Yes, ma'am, we have done. हाँ मैम, हमने किया है। Yes, ma'am, we have done. हाँ मैम, हमने किया है। तो फिर टीचर्स बोल सकते हैं Show me your homework. Let me check your homework. Hand your homework in. या तो मुझे अपना होमवर्क दिखाओ, मुझे तुम्हारा गृह कार्य देखने दो, या फिर अपना होमवर्क मुझे सौंप दो। मतलब अगर बाद में चेक करना होगा तो टीचर्स आपको बोलेंगे हैंड योर होमवर्क इन, अपना होमवर्क सौंप दो, वो बाद में चेक कर लेंगे। राइट विथ अ पेंसिल, डोंट राइट विथ अ पेन, पेंसिल से लिखें, कलम से मत लिखो। राइट विथ अ पेंसिल, डोंट राइट विथ अ पेन, पेंसिल से लिखें, कलम से मत लिखो। राइट इट डाउन, कॉपी इट डाउन, इसे लिखें, इसे कॉपी करें। टीचर्स बोलते हैं ना राइट इट डाउन, कॉपी इट डाउन, इसे लिखें, इसे कॉपी करें। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, क्या तुम समझ गए जो मैंने कहा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, क्या तुम समझ गए जो मैंने कहा। मेमोराइज दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स, इन सवालों के जवाब याद करें। मेमोराइज दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स, इन सवालों के जवाब याद करें। रोहन आंसर दिस क्वेश्चन, रोहन इस सवाल का जवाब दो। रोहन आंसर दिस क्वेश्चन, रोहन इस सवाल का जवाब दो। सर मे आई आंसर, कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं ना सर क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ। सर मे आई आंसर, कम वन बाय वन, एक के बाद एक आओ। कम वन बाय वन, एक के बाद एक आओ।
गेट इन लाइन फॉर्म अ क्यू, एक कतार बनाओ। गेट इन लाइन फॉर्म अ क्यू, एक कतार बनाओ। स्पीक वन एट अ टाइम, कभी कभी पूरी क्लास में सारे बच्चे चिल्लाने लगते तो टीचर्स बोलते हैं एक समय में एक बोलो। स्पीक वन एट अ टाइम। शो मी योर नोटबुक, व्हाट हैव यू रिटन हियर, मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ, आपने यहाँ क्या लिखा है। शो मी योर नोटबुक, व्हाट हैव यू रिटन हियर। हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट कितनी गंदी है। हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट कितनी गंदी है। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ट्राई राइटिंग नीटली, अपनी लिखावट सुधारें, साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ट्राई राइटिंग नीटली। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराएं। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराएं। ब्रिंग योर नोटबुक एंड रिवाइज चैप्टर, अपनी नोटबुक लाएं और अध्याय को संशोधित करें। ब्रिंग योर नोटबुक एंड रिवाइज चैप्टर, अपनी नोटबुक लाएं और अध्याय को संशोधित करें। रीड अटेंटिवली, ध्यान से पढ़ें। रीड अटेंटिवली, ध्यान से पढ़ें। रीड आउट लाउड, जोर से पढ़ो। रीड आउट लाउड, जोर से पढ़ो। रिसाइट द पोयम, कविता सुनाओ। रिसाइट द पोयम, कविता सुनाओ। क्लास में टीचर्स स्टूडेंट से बोलते हैं ना, लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी, ध्यान से सुनो और मेरे बाद दोहराओ। लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी, ध्यान से सुनो और मेरे बाद दोहराओ। शार्पन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल तेज करो। शार्पन योर पेंसिल, अपनी पेंसिल तेज करो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, शाम पट पर देखें। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, शाम पट पर देखें। जब स्टूडेंट्स को टीचर की कोई बात समझ नहीं आती है तो वो बोलते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं। कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं। कुड यू प्लीज़ अगेन एक्सप्लेन दिस, क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं। जब स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता है तो बोलते हैं, कुड यू प्लीज़ अगेन एक्सप्लेन दिस, क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं। द टिप ऑफ द पेंसिल हैज़ ब्रोकन, पेंसिल की नोक टूट गई है। द टिप ऑफ द पेंसिल हैज़ ब्रोकन, पेंसिल की नोक टूट गई है। रेज योर हैंड्स प्लीज, डोंट शाउट आउट, अपने हाथ उठाओ, कृपया चिल्लाओ मत। कभी कभी स्टूडेंट्स आंसर करने के लिए शाउटिंग करना स्टार्ट करते तो टीचर्स बोलते हैं, रेज योर हैंड्स प्लीज, डोंट शाउट आउट। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर मेरा एक सवाल है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर मेरा एक सवाल है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनाओ। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनाओ। कैन आई इरेज ऑन ब्लैक बोर्ड, क्या मैं ब्लैक बोर्ड पर मिटा सकता हूँ। जब टीचर्स को कुछ नया लिखना होता है पुराना इरेज करके तो बोलते, कैन आई इरेज ऑन ब्लैक बोर्ड। कैन आई इरेज दिस साइड, कैन आई इरेज द बॉटम, कैन आई इरेज द टॉप। जब सर पूरा ब्लैक बोर्ड फिल हो जाता है और उनको किसी साइड से इरेज करना होता है तो बोलते हैं, क्या मैं इस पक्ष को मिटा सकता हूँ, क्या मैं नीचे मिटा सकता हूँ, क्या मैं शीर्ष से मिटा सकता हूँ। कैन आई इरेज दिस साइड, कैन आई इरेज द बॉटम, कैन आई इरेज द टॉप। हैज एवरी वन कॉपीड फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, क्या सभी ने ब्लैक बोर्ड से कॉपी किया है। हैज एवरी वन कॉपीड फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, क्या सभी ने ब्लैक बोर्ड से कॉपी किया है। वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है। वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन और हु नोज द आंसर। कभी कभी टीचर्स पूछते हैं ना स्टूडेंट से क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, हु नोज द आंसर, इस सवाल का जवाब कौन देगा या फिर कौन उत्तर जानता है। वी विल कंप्लीट दिस लेसन टुमारो, हम इस पाठ को कल पूरा करेंगे। वी विल कंप्लीट दिस लेसन टुमारो, हम इस पाठ को कल पूरा करेंगे। मे आई गो टू द वॉशरूम,
क्या मैं शौचालय के लिए जा सकता हूँ? मे आई गो टू द वॉशरूम? क्या मैं शौचालय के लिए जा सकता हूँ? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई सिट डाउन? क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई सिट डाउन? क्या मैं बैठ सकता हूँ? मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर? क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर? क्या मैं पानी पीने के लिए बाहर जा सकता हूँ? रिमेन सीटेड, क्लास इज नॉट ओवर येट। बैठे रहो, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है। रिमेन सीटेड, क्लास इज नॉट ओवर येट। बैठे रहो, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है। वेट फॉर द बेल टू रिंग। घंटी बजने का इंतज़ार करें। वेट फॉर द बेल टू रिंग। घंटी बजने का इंतज़ार करें। पैक योर बैग्स। अपना सामान पैक करें। पैक योर बैग्स। अपना सामान पैक करें। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाओ। हु मेड अ नॉइज़? किसने शोर मचाया? हु मेड अ नॉइज़? किसने शोर मचाया? डोंट डिस्टर्ब द क्लास। कक्षा को परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। कक्षा को परेशान मत करो। डोंट गो आउटसाइड। बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड। बाहर मत जाओ। थैंक्स स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद छात्रों, अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। द क्लास इज ओवर, सी यू टुमारो। क्लास खत्म हो गई है, कल मिलते हैं। द क्लास इज ओवर, सी यू टुमारो। क्लास खत्म हो गई है, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like my video and share with your family and friends.